रेनी डे का कॉम्पोजिशन है फिशर फिशर मैन का। इसमें हम ब्लू कलर और ब्लैक कलर दे रहे हैं। तो ये जो फिशिंग है फिशरमैन, ये रिवर गंगा के ऊपर लोग है, एक समुदाय के लोग जो मत्स्य पालन करते हैं। तो अभी के समय में ये लोग थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ कॉस्टली मछली सब ये लोग अभी आते हैं पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जो मछली हम लोग नॉर्मली ह्यूमन जो खाते हैं वो मछली पकड़ने के लिए लोग समुद्र में कभी कभी जाते हैं, लेकिन ये अभी रिवर गंगा में है, रिवर गंगा का है। तो इसमें हम लोग को एक स्काई और आपका रिवर एकदम पानी के जैसा मिल गया है लगा। तो इसमें एक बोटिंग में फिशिंग नेट को मतलब अभी फैर बीच गंगा के बीच में अभी नेट को मछली पकड़ने के लिए बैठा गया, इसलिए एक्टिविटी जो है मछुआरे का वो गंगा के किनारे के बीच में जा किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट एक ब्लू और ब्लैक कलर का पहले स्काई दे देंगे, जिसे ये पेन्स ग्रे कलर है। पेन्स ग्रे एक अलग सा कलर होता है जो ट्रांसपेरेंट कलर हो, ब्लैक आप कोई भी काम आपका मोनोट्रोम करने का है, ब्लैक एंड व्हाइट करने का, तो पेन्स ग्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन्स ग्रे कलर नहीं है तो आप सिंपल ये कोबाल्ट ब्लू और ये ब्लैक कलर ले सकते हैं। ये कोबाल्ट ब्लू और ब्लैक कलर मिक्स करके बना करके आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको उसमें सेम इफेक्ट नहीं आने से भी आपको करीब करीब आ जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर एक तो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं इस तरह सा, और इसको पानी से इसको स्प्रेड कर दीजिए। इसका बोर्ड का कलर भी हम लोग उसी तरह से डार्क में करेंगे कि इसमें सनलाइट नहीं है। जब सनलाइट नहीं रहता है ऑपोजिट इसमें, तो आपको लाइट टेंसेट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसमें से क्या करना है, आपको जो कलर आप दीजिएगा उसका रिफ्लेक्शन कलर एक नीचे में दे दीजिएगा बोर्ड में, और जो भी कॉम्पोजिशन होगा उसका जो लाइट टेंसेट लाइट मीडियम डार्क कलर उसमें आप दे दीजिएगा, ताकि आपको एक सब्जेक्ट का जो खास तौर पर जरूरत है, जिसमें एक पेंटिंग हम लोग करते हैं कि जिसमें टोनल वेरिएशन होना जरूरी है, कलर लाइट एंड सेट मीडियम होना जरूरी है। तो ये सब में आपको अभी जैसे लाइट पानी का जो रिफ्लेक्शन लाइट, दो एक होता है सनलाइट दूसरा होता है रिफ्लेक्शन लाइट। तो रिफ्लेक्शन लाइट इसमें एक क्या है कि जो आसमान में अभी सूरज बादल से ढका हुआ है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है उसको, वो आपको दिख रहा है इसलिए कि उसी लाइट में उसी का रिफ्लेक्शन लाइट में है ये आपका कलर ऐसे दिखेगा। जैसे देखिए पानी का वेव राउंड राउंड टाइप कैसे दिखेंगे, बस जब ये फर्स्ट स्टोन है इसमें आप पहले ओवरऑल जहां जहां जो आपका लगना करना है तो ओवरऑल दे दीजिए हल्का हल्का करके, उसके बाद आप डिटेलिंग में आइएगा। ये अभी गीला है इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, फिगर में कलर करेंगे या बोर्ड में भी कर सकते हैं इनसाइड को।
इसमें एक तो दिखाना है कि हाँ एक्टिविटी कर रहा है और बस। और ब्लैक कलर के साथ इसको बोर्ड में पहले हम लोग दिए थे, जो कि अभी दोबारा इसको देना पड़ रहा है क्योंकि पहला कलर पानी लगभग सूख गया है, इसलिए फेड हो गया। अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए दोबारा हम दे रहे हैं टोन। जैसे दोबारा दे रहा है, पहला का कलर भी दिख रहा है, अभी का कलर भी दिखता है। तो ये है आपका ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस है वाटर कलर का, जो हम लोग शुरू से ही आपको बता रहे कि वाटर कलर का तीन मीडियम में हम लोग करते हैं। एक अभी जो कर रहे हैं ये आपका ट्रांसपेरेंसी में है। तो इसमें क्या है, हम लोग पहला कलर जो लाइट से देते हैं वो सूखने के बाद, या जब भी गीला में भी हम लोग दे सकते हैं, उसमें सेकेंड टोन हम लोग देते हैं ताकि उसका जो हम लोग जो इफेक्ट वो पता चलता है। तो पहला हम लोग लाइट कलर में देंगे, माने लाइट कलर जहां जहां देना है। और दूसरा आपका जैसा भी देखिए, अभी हम लोग ऐसे रिफ्लेक्शन में आ रहा है, वो फिगर थोड़ा सा फिगर में कलर करने से अभी जो नीचे गिरा है ना उसमें आपका आप रिफ्लेक्शन देने में इजी हो जाएगा। जैसे एकदम ब्राइट कलर का ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना हुआ मान लीजिए, और उसका स्किन कलर डार्क करेंगे तो इसमें भी यहाँ पर हल्का सा ये रहेगा रिफ्लेक्शन जैसा है। फ्लैट ब्रश से इसको दूसरा जो है लाइट ब्लू, दूसरा जो है आप लाइट ब्लू दे सकते हैं। इसी के ठीक सीधा सीधा ये ऐसा देखिए हल्का। उसके बाद ऑरेंज के साथ थोड़ा सा ब्लू मिक्स कीजिए। उसमें एक कलर आएगा, वो कलर आप इसमें स्किन में यूज कर सकते हैं। ऑरेंज के साथ थोड़ा सा ब्लू कलर बस ये। अब इसका जो दो किस्म का हो सकता है, इधर उसको अब धोती जैसे पहना सकते हैं, व्हाइट छोड़ दीजिए, उसको कलर करने जरूरत नहीं है, समझ जाएगा कि धोती है। बंगाल का ये लोग धोती पहनता है, तो उसमें आप उसको उसको जरूरत नहीं है। सर में भी एक तो गमछा जैसे उसमें हल्का सा रेड दे दीजिए बस, और इसमें थोड़ा सा। अब उसका जो अभी जो हम लोग उसका जो स्टैंडिंग फिगर में जो हम लोग किए हैं, ये भी आपसे हल्का सा धीरे धीरे ऐसा, इसका भी ऐसा धीरे धीरे आएगा। इसमें थोड़ा डार्क कर दीजिए। अब सीधा ब्लैक के साथ, ब्लैक कलर के साथ थोड़ा डार्क ब्लू, डार्क ब्लू लेकर के आप इसको पहले जो स्टैंडिंग करके रखा है बम्बू का, ये इसको बोलते हैं पाल, इसको बोट को ऐसा पकड़, माने बोट हिलेगा नहीं, लॉक करके रखा है, वो लॉक करने का लोगों तरीका है, कैंची मार के ऐसा लॉक करके रख देते, एक ट्विदर से और एक ट्विदर से।
अब इसमें बोर्ड में हमको थोड़ा सा डिटेलिंग और चाहिए। देखिए थर्ड टाइम हो रहा, तब जाकर डार्क हो रहा है ना। पहला हम लोग दिए थे पूरा पानी हो गया, अभी दूसरा थर्ड टाइम हो रहा। और ये ऐसा व्हाइट ही रहेगा क्योंकि नेट है, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। फिर इसके ये अलग दोनों पैर में कोई एक पैर दूर में जो उसको थोड़ा सेट हो दे देंगे। और ऐसा हाथ से खींच रहा है ये नेट, बस और कुछ नहीं है, इतना है। और थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा शेडो कर दीजिए, हाँ इस तरह से। यहाँ पे उतना ब्राइट नहीं रहेगा व्हाइट, इस तरह से गंदा गंदा टाइप का रहेगा। बस अभी और कुछ नहीं, अभी इसको ये जो फैल गया है वो सबको आप ओवरलुक कर दीजिए, उतना वाटर कलर में चलता है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।